गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, सेशन है हमारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी अपने आप सॉल्व करते भी रहना, जिन जिन बच्चों ने जो जो डाउट क्वेश्चंस भेजे हैं वो डाउट पहले सॉल्व करते रहेंगे, और जिनको डाउट है वो, हाँ, एक पहले मैं लास्ट में बच्चे ने चैट बॉक्स में एक डाउट डाला था, वो डाउट डिस्कस कर नहीं पाए, ठीक है, तो उसको अभी देखा है मैंने, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चे का, कि अगर आपके पास में, जैसे ये हो गया कि हमने कहा कि पहले हम डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर ऑफ चार्ज के नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है, और उसके बाद में अगर आयंस के मोल सेम हैं तब आपको क्या देखना होता है, चार्ज देखना होता है, ठीक है। अब मन में ये उसके ख्याल आया कि सर अगर हम जैसे दो मोल, ठीक है, हम ये ले लेते हैं आपके पास में Cl- माइनस एंड वन मोल हम ले लेते हैं SO4 टू नेगेटिव, तब क्या होगा, तो ऑफकोर्स आपके पास में इसका चार्ज ज़्यादा होगा। आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने किस में बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई थी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मैंने बताया था कि चार्ज की साइज जितनी छोटी होगी उतनी ही उसकी हाइड्रेटेड साइज बड़ी होगी, ठीक है, उतना ही उसको मूव करने में मुश्किल होगा। तो अब देखिए आपके पास में जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हम आयंस की कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में, यहाँ पर क्या है कि सल्फेट में चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप वन मोल ले रहे हो तब आपके पास में क्या होगा, इसका दो नेगेटिव चार्ज है तो इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, दो मोल में डायरेक्ट इसकी हो जाएगी। इन दोनों के बीच में आपके पास में अगर कैसे जैसे आ जाता है, जैसे 1.2 मोल इसके ले लिया और 1 मोल इसका ले लिया, तब क्या करेंगे, तब आप सिंपली बात है कह नहीं सकते हो, तब हमें इनकी मोलर कंडक्टिविटीज पता होनी चाहिए, और मोलर कंडक्टिविटीज जैसे हमें पता है Cl- की इनटू इसके नंबर ऑफ मोल्स 1.2, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी चेक करोगे हम SO4 नेगेटिव इनटू इसके नंबर ऑफ मोल्स, तब कहेंगे। लेकिन अगर जैसे नंबर ऑफ मोल्स में लार्ज डिफरेंस आ गया, जैसे आपके पास में सिंपली 1 और 2 का डिफरेंस है, या 1 और 3 का डिफरेंस है, या 2 और 3 का डिफरेंस है, या 3 और 4 का डिफरेंस है, तब हम डायरेक्ट डेटा देख के कह देंगे। आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी एक्सेप्शनली हाई होती है H+ एंड OH- की, उसके बाद में जो आते हैं वो नियरली आपके पास में 20, 30, 40 से वेरी करते हैं, 20, 30, 40 से डेटा वेरी करता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में लार्ज डिफरेंस आ गया, जैसे 1 के बाद में 2 आ रहा है, सिंपली इसके 1 मोल है और इसके 2 मोल है, तब हमें डायरेक्टली हम कह देंगे इसकी ज्यादा है। अगर 1 मोल इक्वल है तब हम कह देंगे इसकी, लेकिन अगर कहीं आपके पास में आ गया सर 1.2, तो आपको पता है पहले 1 मोल दोनों का ले रहे हैं तो ये ज्यादा है, 2 मोल ले रहे हैं तो इसका ज्यादा है, तो कहीं ना बीच में से आपके पास में ऐसे डेटा आएगा कि Cl- की कंडक्टिविटी जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, और बीच में आपके पास में SO4 नेगेटिव की 1 मोल की कंडक्टिविटी ये है, तो कहीं ना कहीं बीच में कट करेगा डेटा, तो दोनों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई x मोल पर इसके इक्वल आएगी, और ये x किस में रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा आपके पास में एंड लेस देन 2 रहेगा, ठीक है, ये आपके पास में डेटा है। जैसे आपको पता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बढ़ा रहा हूँ Cl- के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी Cl- की बढ़ती जा रही है, ठीक है। SO4 नेगेटिव के अगर मैं मोल्स कांस्टेंट रखता हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी SO4 नेगेटिव की 2- की कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आपके पास में ये ले लो, जैसे मैंने इस साइड में ले लिया कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या मैंने कह दिया नंबर ऑफ मोल्स कह दिया नंबर ऑफ मोल्स, और इधर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे Cl- के बढ़ाते जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, SO4 नेगेटिव की कहीं लेट से मोलर कंडक्टिविटी ये आ रही है और आपके पास में 1 मोल पे ये आ रही है, ठीक है, तो ये लो, ये कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी SO4 नेगेटिव की। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके पास में इसका 1 मोल ही है, ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, ये लो नंबर ऑफ मोल्स SO4 नेगेटिव के क्या है, 1 मोल है। Cl- की जब 1 मोल की कंडक्टिविटी थी तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी Cl- की ये थी, SO4 नेगेटिव का जब 1 मोल था तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये थी, चूंकि SO4 नेगेटिव की हम क्या है कि मोल्स बढ़ा नहीं रहे तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कांस्टेंट आपके पास में
कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉल्स का ग्राफ तो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन हम सिंपली ये कह देते हैं अगर वन मॉल है तो इसकी कंडक्टिविटी आपके पास में सिंपली ऐसे ही रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लेते हैं, SO4 नेगेटिव का वन मॉल है, लेकिन जैसे ही हम Cl- की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉल्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो आपके पास में वन मोल पर अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास में ये है, तो टू मोल पर आपके पास में इसकी कंडक्टिविटी ये है, तो कहीं ना कहीं वन और टू मोल्स के बीच में दोनों की मोलर कंडक्टिविटी वो आएगी। तो वो आपके पास में डेटा से निकाली है, मोलर कंडक्टिविटी इंटू 1.2 और मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में SO4 नेगेटिव इंटू उसके मोल, ये कहीं ना कहीं वन और टू के बीच में आएगी। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ मोल्स में लार्ज डिफरेंस आ गया, जैसे एक मोल का डिफरेंस आ गया, तब सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे पास में दो मोल, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आपके पास में सिंपली बात ये है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में SO4 नेगेटिव की, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बात कर रहा हूँ, अगर SO4 नेगेटिव का मैं मोल्स में वन मोल ही रख रहा हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट रहेगी। Cl- माइनस की आपके पास में आ क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी जब वन मोल है। ठीक है, कुछ आपके पास में धीरे धीरे Cl- के मोल बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मैंने कह दिया टू मोल्स पर Cl- की कंडक्टिविटी ये है, कितनी आपके पास में यहाँ पर आ गया, ये डेटा हो गया। वन मोल पर Cl- की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये, तो कहीं ना कहीं मोल पर यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे जहाँ पर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी नियरली इक्वल भी आएगी। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स जैसे 1, 2, 3 ऐसे वेरिएशंस कर रहा हो तब तो हम कह देंगे टू मोल Cl- की ज़्यादा है, वन मोल SO4- से, एक मोल Cl- की कम है, एक मोल SO4 नेगेटिव से, और इन बिटवीन अगर कहीं पूछा जा रहा है तो फिर आपको मोलर कंडक्टिविटी का डेटा पता ही होना चाहिए। क्लियर है? पता ही होना चाहिए तब आपके पास निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग, और इन्हें क्लास नोट्स में लिख देना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट किसकी होगी? आपके पास में ऑप्शन ए है PtNH3 और Cl4, बी है PtNH3 Cl3, सी ऑप्शन है PtNH3 Cl2 Cl2, डी ऑप्शन है PtNH3 Cl3 Cl। तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑप्शन आंसर मुझे बताइए अभी, मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट किसकी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी? क्या आंसर होगा बच्चों? सर इफ PO4 3- का 1 मोल है, SO4 2- का 2 मोल है और Cl- का 3 मोल है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ डेटा में। ठीक है, PO4 3- का 1 मोल है, SO4 2 नेगेटिव का 2 मोल है और Cl- का 3 मोल है। क्लियर है? तब आपके पास में क्या डेटा होगा? ठीक है, तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डायरेक्ट Cl- एग्जैक्टली निकालना है, ध्यान में रखना। अगर इस टाइप के डेटा आ जाते हैं तो आपके पास में ऑप्शन में या तो Cl- ग्रेटर देन SO4 नेगेटिव कुछ नहीं गिवन है, तो सिंपली आप ये चूज कर लेना, कुछ नहीं गिवन है तो ये आ गया। अदरवाइज आपके पास में एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, आपके पास में अगर किसी की भी डेटा में मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो सबसे पहले आपके पास में कंडक्टिविटी किसकी ऑफ PO4 3- इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ PO4 3- इनटू नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है, एक मोल ले लिया। कंडक्टिविटी ऑफ एसओ फोर टू नेगेटिव इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसओ फोर टू नेगेटिव इंटू टू कर दिया। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे सी एल माइनस है तो सी एल माइनस का, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस इंटू नंबर ऑफ मोल्स थ्री कर दिया। तो यहां से देख लेना, जिसके डेटा अगर आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, ये डेटा अगर गिवन है तो आप एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है कि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, सिंपली। अगर ये नहीं गिवन है तो डायरेक्टली आप चूज करो सी एल माइनस इज ग्रेटर देन एसओ फोर टू माइनस इज ग्रेटर देन पीओ फोर थ्री माइनस, क्लियर है? या तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास में ये डेटा दी गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्ट आपको जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तीन दो एक, उस हिसाब से आपको चूज कर लिया। अगर डेटा आपके पास में ऐसे होता, इसका वन मोल है पीओ फोर थ्री माइनस का, जैसे इसका वन मोल, इसका वन पॉइंट आपके पास में टू मोल आ गया, इसका वन पॉइंट फोर मोल आ गया, तब डिफिकल्टी हो जाती कि भाई अब तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में स्लाइटली हमें पता है कि SO4 टू नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है देन Cl माइनस से। क्या पता हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 1.2 से, जब हम प्रोडक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1.2 से, तो हो सकता है इसके लिए ज्यादा आ जाए, ठीक है? उन केसेस में आपके पास में दिक्कत है, आपके पास में ये इसका डेटा गिवन होगा, क्लियर है? आपके पास में अगर 1.2, 1.4 है तो आपके पास में ये डेटा गिवन होगा, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? इन केस अगर आपके पास में डेटा गिवन नहीं है तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, क्लियर? ठीक है, हाँ, तो मुझे पहले का जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताओ। ए ए, वेरी गुड, सभी में ए आया है, ठीक है? आपके पास में ये थोड़ा सा आपके पास में किससे रिलेटेड भी हो गया है, आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड हो गया, PaTNH3+6, और यहां पर आपके पास फोर पॉजिटिव प्लस फोर सी एल माइनस दे रहा है, ठीक है? दूसरा आपके पास में PTNH3+5 Cl3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस दे रहा है, आपके पास में PTNH3+4 Cl2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl माइनस दे रहा है, और ये दे रहा है आपके पास में PTNH3+3 Cl3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस दे रहा है। तो आपके पास में देखने से नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा इसी के आ रहे हैं। सबसे पहली बात, 4 मोल Cl माइनस, 3 मोल Cl माइनस, 2 मोल Cl माइनस, 1 मोल Cl माइनस, ठीक है? दूसरी बात, इस पर भी 4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें भी इसका ज्यादा हुआ। ओवरऑल सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी ए की ज्यादा होगी, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आपके पास में मैं जैसे दे रहा हूँ आपको ऑप्शंस है कि एक क्वेश्चन सब बहुत बढ़िया, ठीक है? और आपको क्वेश्चन ये है, मैच दी कॉलम टाइप का, अगर ये डाटा सोल्व कर दिया आपने तो मतलब मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आपने सोल्व कर दिए। मैं आपको दे रहा हूं कि कॉलम वन और यहां पर है कॉलम 2, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, मैं ये समझूंगा, ठीक है? मैं डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ, कॉलम 1 में आपके पास में कुछ आइसोमर दे रहा हूं और कॉलम 2 में उनको डिफ्रेंसिएट किस हिसाब से कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएट, ठीक है? तो सबसे पहला आपके पास में है CrH2O6 Cl3 एंड आपके पास में हो गया CrH2O5 Cl2.H2O, ठीक है? पहला आपके पास में पी ऑप्शन हो गया है, पहला कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय अमाउंट, कैन बी यहां पर है, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय अमाउंट, ठीक है, कॉमा नेचर और कलर ऑफ पीपीटी फॉर्म, ठीक है? पीपीटी फॉर्म आपके पास में ये ए, यहां पर बी हो गया है कोबाल्ट NH3+5 BrSO4, ठीक है, एंड कोबाल्ट NH3+5 SO4 Br, सी ऑप्शन आपके पास में हो गया है कोबाल्ट NH3+5 Cl Cl2 एंड कोबाल्ट NH3+6 Cl3, एंड डी ऑप्शन हो गया है कॉपर H2O4
SO4 डॉट H2O एंड कोबाल्ट नहीं सॉरी कॉपर NH3 6 NO3 ट्वाइस, ठीक है, ये आपके पास में है। इधर P के बाद में Q है, आपके पास ऑप्शन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड, ठीक है। पी क्यू आर हो गया है आपके पास में, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट था, तो ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है कि हम चेंज इन डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 अभी आपको बताया नहीं है, ये आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, एंड जब मैं पी ब्लॉक में H2SO4 की रिएक्शंस बताऊंगा तब आएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी अगर आपके पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर H2O प्रेजेंट है, उन H2O को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास में रिजल्टेंट का वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, उस सॉल्यूशन का H2O गायब हो जाएगा, उस कंपाउंड का H2O गायब होने से उसका वेट कम हो जाएगा, तो वहां से पता चलता है हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4। एक में मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक का सपोज PQRS सारे हो सकते हैं, बी का भी PQRS हो सकता है, डी सी का भी PQRS हो सकता है, डी का भी PQRS हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इसीलिए कहा है अगर ये क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर दिया मतलब अभी तक का तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारे आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें इनकी ये जो पॉइंट्स लिखवाए हैं इन पॉइंट्स का कंसेप्ट क्लियर है। तो अब बताओ सबसे पहले ए का सॉल्व करो, ए में क्या ऑप्शन आएंगे। अगर ये क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर दिया है तो ये समझ लो अभी तक तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, टाइम लगेगा नो डाउट, तुम्हें टाइम लगेगा अभी सॉल्व करने में इसको, लेकिन देखते जाओ करते जाओ, और ये क्वेश्चंस पूरा जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं इसको आगे सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एनीबॉडी P, पहले का मोर देन वन भी हो सकता है आपके पास में, A का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ P ही होगा, एक से ज्यादा होंगे, ऐसे ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे इसके, क्यू, ठीक है, पी क्यू दोनों हैं एक ही, ठीक है, ए अभी आपके पास में पी क्यू बताया है, और क्या दो ही हैं इसके, ऐसे लिख दो आप आंसर अपना इस हिसाब से दे दो कि जैसे मतलब ए लिख दिया उसके बाद में एरो एरो की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊंगा पी क्यू जैसे आर एस इस हिसाब से लिख दिया तो भाई ए का पी क्यू आर एस है, इस एरो की जरूरत नहीं है, ठीक है, या पी क्यू है तो तुमने पी क्यू लिख दिया, या पी आर है तो तुमने पी आर लिख दिया, या PQS है तो PQS लिख दिया, इस हिसाब से लिख दो मैं समझ जाऊंगा कि आंसर ये है, जैसे A का, फिर B का लिख दिया तुम्हारे पास में RS आ गया, उस हिसाब से लिखते जाओ मैं समझ जाऊंगा इनको आंसर क्या आ रहे हैं तुम्हारे। और ये क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है,
इससे सारे छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस इससे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। किसी ने किया? चलो एक मैं बता देता हूं आपको। पहले देखो, सबसे पहली बात, इन दोनों कंपाउंड्स में आपने देखा, ठीक है, सबसे पहले वाले ऑप्शंस को देखो, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें क्या मतलब है काउंटर आयन से, ये तीन सीएल माइनस दे रहा है, ठीक है, और ये आपके पास में किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो आपके पास में थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री सी एल माइनस, ये टू पॉजिटिव प्लस टू सी एल माइनस, ठीक है, क्या था ऑप्शन, हाँ एक अंदर सी एल भी है यहाँ पर, ठीक है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये अंदर सी एल भी है, प्लस टू सी एल माइनस, ये दोनों आइसोमर्स है एक दूसरे के, प्लस एच टू ओ बाहर है, ठीक है, ये बाहर है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखो आपके पास में अमाउंट, नेचर और कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, बिल्कुल अगर मैं AgCl की बात करता हूं, AgNO3 के इसके साथ मैं रिएक्शंस करवाता हूं, तो AgCl की प्रेसिपिटेट होगी, यहां पर AgCl के तीन मोल प्रेसिपिटेट होंगे, यहां पर AgCl के दो मोल प्रेसिपिटेट होंगे, यहां पर तीन मोल, इस केस में दो मोल, तो बिल्कुल अमाउंट वेरी कर रही है, आगे नेचर कलर वेरी नहीं कर रहा लेकिन अमाउंट तो वेरी कर रहा है, तो ए का ऑप्शन हो गया आपके पास में पी, ये तो हो गया। फिर आगे बढ़ते इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट में थे, बिल्कुल नंबर ऑफ आयंस अलग मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, ठीक है। यूजिंग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, बेटा इसमें तीन और एक चार आयन मिल रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू फोर हो गई, इसमें दो और एक तीन आयन मिल रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू थ्री हो गई है, एच टू ओ को हम आयंस में नहीं काउंट करेंगे, एच टू ओ आयन नहीं, दो और एक तीन आयन मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में तीन हो गए, तो R भी हो गया, बिल्कुल R हो गया। हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बाहर H2O है? हाँ जी, इसमें H2O है, तो आपके पास में ये H2O का एक मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मोलर मास 18 से कम हो जाएगा, इसका H2O इसके अंदर है तो ये एब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि ये H2O बाहर नहीं है, तो इस वाले का एब्जॉर्ब होगा, तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें उससे भी पता चलेगा, मतलब इसके ऑप्शन चारों हैं, क्लियर है ये बात, इसके ऑप्शन चारों हैं। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो ओरिजिनल क्वेश्चन इस टाइप का था, आपके पास में ये Cl, Cl3 और यहाँ पर Cl2.H2O, ठीक है, तो ये H2O जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ये H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2O को रिमूव कर देता है, तो इस H2O को रिमूव कर देगा, अब बताओ इसका मोलर मास तो कम हो गई 18 से, क्लियर है, तो हमें यहां से पता चल जाएगा, जबकि इसके मोलर मास में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, ये दोनों आइसोमर भी हैं, इनका डिफरेंस। नेक्स्ट बी का बताओ तुम, एक तुम्हें ट्रिक बता दी है कि कैसे करना है, और बी में देखो एक सेकंड, ये ऐसे है, बी में आपके पास में ये है, ठीक है, ये बी है आपके पास में, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला सी है, क्लियर, और ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है आपके पास में, ये दोनों आइसोमर हैं क्या? ये दोनों बिल्कुल आइसोमर हैं, कौन से आइसोमर हैं? आयनाइजेशन आइसोमर, डिफरेंट आयंस दे रहे हैं, ये सल्फेट देगा, ये Br- देगा, तो अब बताइए ए का हो गया आंसर पी क्यू आर एस, ठीक है, ए का हो गया पी क्यू आर एस, चारों हो गए। अब देखिए सबसे पहले बी को, जैसे आपके पास में दो हैं, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कोबाल्ट NH3 5 Br, और यहां पर टू पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव देगा, इस केस में आपके पास में देगा कोबाल्ट NH3 5 SO4, और यहां पर आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Br नेगेटिव। सबसे पहली बात, इस
सॉल्यूशन की रिएक्शन अगर मैं BaCl2 के साथ में करवाता हूं तो BaSO4 की व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, जबकि ये AgBr AgNO3 के साथ में रिएक्शंस करवाने पे ये AgBr की पेल येलो प्रेसिपिटेट देगा। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको Cl- Br- I- और सल्फेट- के टेस्ट याद होने ही चाहिए, और इसीलिए बार-बार प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें ये देता जा रहा हूं। ठीक है, तो BaNO3 सॉल्यूशन में डाला, जैसे पहले मैं क्या किया, मैंने BaNO3 डाल दिया और या BaNO3 twice या BaCl2 डाल दिया। ठीक है, दोनों में डाल दिया, एक में ये है टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में ये, तो मैं देख रहा हूं जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ गया उसमें BaSO4 सल्फेट आयन काउंटर आयन था। मैंने AgNO3 डाल दिया दोनों में, जिसमें पेल येलो प्रेसिपिटेशन आ गया उसमें Br- काउंटर आयन था। तो यहां पर आपके पास में पता चल जाएगा कि हम इसे अमाउंट, नेचर और कलर से ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म से पता लगा सकते हैं। अमाउंट से भी पता चल रहा है BaSO4 की प्रेसिपिटेशन ज्यादा आ रही है, AgBr की अमाउंट अलग अलग आ रही है। नेचर से भी पता चल रहा है, कलर से भी पता चल रहा है आपको। ठीक है, कलर कैसा है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेशन है, इसकी पेल येलो प्रेसिपिटेशन, क्लियर है। अच्छा, नंबर ऑफ आयंस अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखो आपके पास में 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों के 1-1 मोल, यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव चार्ज और एक बाहर नेगेटिव चार्ज, तो ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आपके पास में क्या हो गया, ऑप्शन बी में अभी पी हो गया और क्यू हो गया। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से यहां पर भी 2 आयंस मिल रहे हैं, यहां पर भी 2 आयंस मिल रहा है। आई की वैल्यू दोनों के लिए कितनी है, 2 है, तो डेल्टा टीएफ इजिकल टू आई केएफ इनटू एम। आई तो सेम आ रहा है, आई सेम आ रहा है, तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से पता नहीं चलेगा। क्या बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दोनों में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों में नहीं है, तो मतलब कोई H2O रिमूव हो गए नहीं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शंस करवाने पे, तो S से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। क्लियर है ये बात, S से भी कुछ पता नहीं चलेगा, ये भी कंफर्म हो गया। ये दोनों आपको क्लास नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, अब आपके पास में आते हैं A का ऑप्शन जो हो गया आपके पास में, A जो था वो हो गया PQRS, B का हो गया PQ, C का पता लगा हुआ। कोई डाउट है तो डाउट चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो वो भी बता देते, जब तक तुम सी सॉल्व करो, सी पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर बेटा, वेरी करेक्ट, वेरी गुड, पी क्यू आर इज द राइट आंसर, सी पी क्यू आर, वेरी गुड, क्या बात है। अगर ये सॉल्व कर रहे हो मतलब हो रहे हैं, मतलब तुमने अभी तक सारे कंसेप्ट तुम्हारे पुराने वाले क्लियर हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे सर, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के पूछने लग गए। ठीक है, काफी सारे बच्चे कि सर हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे लगा, अरे अभी हमने बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ी, कहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, अब तो मेन पोर्शन तो अब चालू होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारी थ्योरीज अभी हम पढ़ेंगे, फिर आप बता सकते हो कि हाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और तुरंत बताओगे ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, इसका इसका कलर होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये कलर वलर ये सब हम बाद में अभी पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी भी पढ़ोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी निकालते कैसे हैं, सारी की सारी चीजें अभी पढ़नी बाकी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन सी का आंसर PQR दिया है, और PQR राइट आंसर है आपके पास में। सी देखो क्या हो गया, सबसे पहले मैं सी को यहाँ पे कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ। तो देखिए आपके पास में ये दे रहा है कोबाल्ट NH3 5 Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, क्या ये दोनों आइसोमर हैं? तो देखो आपके पास में सिंपली NH3 के नंबर चेंज हो गए, तो आइसोमर तो नहीं है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास में ये कंपाउंड है, एक टेस्ट ट्यूब में ये है, कह रहा है दोनों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कोबाल्ट NH3 6 प्लस 3 Cl नेगेटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहली बात आपके पास में अमाउंट वेरी करेगी, बिल्कुल करेगी, यहाँ पर 2 मोल AgCl मिलेंगे, यहाँ पर 3 मोल AgCl मिलेंगे, तो C के लिए P हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें 2 और 1 3 आयन है, इसमें 3 और 1 4 आयन है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी करेगी, तो आपके पास में क्यू भी हो गया। आई की वैल्यू, इसमें 2 और 1 3 आयन मिल रहे हैं, इसमें 3 और 1 4 आयन मिल रहे हैं, तो आर भी करेगा। क्या बाहर कोई वाटर प्रेजेंट है? कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब आर एस काम नहीं करेगा। सी का आंसर हो गया पी क्यू आर आपके पास में। अब मुझे डी का बता दो क्या होगा, लास्ट डी वाले का आंसर, डी का पी क्यू एस। ठीक है, डी का पी क्यू एस। अच्छा, और किसी का कोई आंसर? डी का,
ठीक है, एबीडी मतलब पी क्यू एस, अच्छा सिस, ठीक है। अच्छा मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि आर क्यों नहीं, देखते हैं। चलो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो देखो सबसे पहले ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपके पास में कॉपर आ गया H2O4, ठीक है SO4, ये आपके पास में देगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O। यहां पर दे रहा है आपके पास में कॉपर NH3 6, ठीक है, और 2 पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव, ये आपको मिल रहे हैं। तो सिंपली बात है, सबसे पहले ये BaSO4 की व्हाइट प्रेसिपिटेशन देगा, जबकि ये BaSO4 के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेशन देगा नहीं, ठीक है। नाइट्रेट आयन हमारे पास में पता चलता है ब्राउन रिंग टेस्ट से, जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करने के लिए कही थी। ये हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, जब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ेंगे। तो उसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता था किसका, Fe H2O5, ठीक है NO, और यहाँ पर आपके पास में SO4 बाहर लगा हुआ होता है। अगर SO4 नहीं दिखाना है, इसको दिखाना है तो आपने 2 पॉजिटिव करके दिखा दो। इसमें मैंने ये बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी भी +1, याद है तुम्हें, कहा था इसको ध्यान में रखना, ब्राउन रिंग टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। आयरन ही ऐसा कंपाउंड है कि एनओ के साथ, एनओ जो होता है आयरन के साथ में अगर एनओ प्रेजेंट है तो एनओ +1 में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोसिलियम कहते हैं या इसे नाइट्रोसोनियम कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, ठीक है, इसका नाम नाइट्रोसो है या नाइट्रोसिल कह देते हैं। एनओ प्लस को हम कह देते हैं नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो, ठीक है, आपके पास में नाइट्रोसिल तो नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसो तो नाइट्रोसोनियम, ठीक है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम ब्राउन रिंग टेस्ट से करेंगे, इसमें BaSO4 की व्हाइट प्रेसिपिटेशन से करेंगे। तो आपके पास में P हो गया भाई, बिल्कुल हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म से पता चल रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंशन मेथड, इसमें एक सल्फेट और ये इसमें दो और एक तीन आए, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इसमें I की वैल्यू, एक आयन ये मिल रहा और एक आयन ये मिल रहा, I इज इक्वल टू 2, इसमें दो आयन ये और एक आयन ये, I इज इक्वल टू 3। बताओ अगर दोनों की मोलेलिटी 1:1 लेते हो, Kf तो वाटर का ही होगा, तो Kf तो कांस्टेंट है वाटर का, ठीक है, I की वैल्यू इसमें 2 इसमें 3, डेल्टा Tf दोनों के लिए अलग वेरी करेगा, डेल्टा Tf इसका ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें ज्यादा होगा, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा घट गया है, तो लो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, इसका रिलेटिवली इससे हाई रहेगा, इसका इससे हाई रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा हीटिंग विद एस, क्या कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, बिल्कुल एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो एस से भी पता रहेगा, तो PQRS, क्लियर है, किसी को भी किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। सर आई के लिए H2O को काउंट नहीं करना, नहीं करना है क्योंकि H2O आयन नहीं है बेटा आपके पास में, H2O तो खुद सॉल्यूशन में है, आपके पास में H2O तो पहले से एक्सेस ले रखा है हमने, H2O तो सॉल्वेंट है, H2O सॉल्वेंट है, इसको काउंट नहीं करना है आपको, आयन्स को काउंट करना है, ठीक है, H2O को काउंट नहीं करना है, ठीक, क्लियर। और कोई डाउट किसी को किसी भी ऑप्शन में, और कोई डाउट नहीं, ठीक है, एक और क्वेश्चन बढ़िया सा करवाता हूं, जो मतलब कि आपके पास में सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ट्रिकी करवा रहा हूं, जिसमें सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और ये क्लास नोट्स में लिख लेना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिवीजन होने चाहिए, ठीक है, दिमाग में रिवाइज होने चाहिए बार बार, ठीक है, जब भी आप थ्योरी पढ़ो तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपर कि आपको सारे ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मतलब आपको पुराने सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपको आयनाइजेशन आइसोमर्स क्लियर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर का, आपको कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शंस पता, आपको आई का कंसेप्ट क्लियर है, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर है, आपको स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ में रिएक्शंस का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स है MA2B2,
ए लिख दिया, बी लिख दिया, मतलब ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, एम ए टू बी टू, ठीक है। शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शोज जी आई, एम ए टू बी टू शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। आपके पास में देखो, बस मैं सिंपली ये कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, चार हो गया, मोनोडेंटेड लिगेंड है, चार है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार। चार में आपके पास में टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है, या स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चार में आपके पास में ये दो ज्योमेट्री हो सकती है, बस मुझे सिंपली ये चाहिए कि भाई इनमें से कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। तो बताओ क्या होगा आंसर? हाँ एम ए टू बी टू आपके पास में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, हाँ ठीक है, एम ए टू बी टू शो जी आई, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। तो आपके पास में बेसिकली दो ही ऑप्शन में से आपको चूज करना है, या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर चार है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो बताइए क्या होगा। दिख नहीं रहा है सर, बोर्ड पर थोड़ा नीचे लिख दो, अब दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड, स्क्वायर प्लेनर, क्यों? क्योंकि आपके पास में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है, ये आप लोगों को बताया था मैंने। जैसे अगर सारे ए बी डिफरेंट भी ले लिए, तब भी आपके पास में ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, 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 सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, सारी पोजीशन टेट्राहेड्रल में इक्वल होती है, ये आप लोगों को बता रखा है मैंने कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से आपके पास में ये पता चल जाएगा, ठीक है, ये आपके पास में जैसे हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के पीछे वाला भी जो ये दोनों भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। आपके पास में सारे 109 डिग्री 28 मिनट बना रहे, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल वाला तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, स्क्वायर प्लेनर वाला जरूर शो करेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में एक बार सिस हो सकता है और एक बार ट्रांस हो सकता है, ए ए बी बी, ये सिस हो गया, एम ए ए बी बी ये ट्रांस हो गया, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा ये पूछा जाता है, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट अभी आपको करवाया नहीं है, वो करवाऊंगा नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन पर ही है, ये बात आपको पता है, ठीक है। बस ध्यान में रखना, टेट्राहेड्रल sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर की dsp2 होती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करवा दिया तो चलो इसके साथ भी करवा ही देते हैं इसको, टेट्राहेड्रल की sp3 और कोऑर्डिनेशन नंबर चार, स्क्वायर प्लेनर की dsp2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, dsp2। तो आपके पास में आंसर हो गया, आपके पास में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो गया आपके पास में, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में हो गई है, ठीक है, dsp2। ये अभी आप लोगों को पता नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान में रख लो कि टेट्राहेड्रल की sp3 होती है, स्क्वायर प्लेनर की dsp2 होती है, बस, ठीक है। तो अभी आपको उसके हिसाब से बताना, आपसे बताना था, तो स्क्वायर प्लेनर का dsp2 आपने कर दिया है, क्लियर,
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा क्लास नोट्स में लिख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फर्दर मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई कर दूंगा मैं उनके डाउट्स के, और ठीक है बाकी फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसमें हम करेंगे, क्लियर है? कोई डाउट तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं चैट बॉक्स पढ़ता हूँ एक बार। ठीक है, कार प्लानर, वेरी गुड, ठीक है।